बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड में एक तो ओएमआर शीट में ये स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी ई, फिर ओएमआर शीट में ये कैपिटल लेटर्स जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद ओएमआर शीट में इस तरह नंबर्स ऐड करना सिखाऊंगा कि ये किस तरह से ऐड किए जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं कि ओएमआर शीट में स्मॉल ए बी सी किस तरह से लिखी जाती है। ओ एम आर शीट आप ये एग्जाम्स में अक्सर देखते हैं, एम सी क्यूज फिल करने के लिए आपको दी जाती है, वो ओ एम आर शीट कहलाती है। अब यहाँ पर अगर स्मॉल लेटर्स में आपने ओ एम आर शीट जनरेट करनी है तो मैं सबसे पहले यहाँ बुलेट्स लगा लूँ। बुलेट्स लगाने के बाद यहाँ एक कोड लिखना है आपने 24D0। 24D0 के बाद आल्ट एक्स करें तो यहाँ देखें आपके पास स्मॉल ए यहाँ पर लिखा गया, स्पेस दें, फिर 24D0 के बाद 1 है, alt x करें, फिर 24D2 alt x, 24D3 alt x, इसी तरह 24D उसके बाद आप यहां 4 लिख के alt x करें तो ये आपके पास a b c d e ऑप्शंस आके आप इसको कॉपी कर लें। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहां मैं इसको पेस्ट कर दूं तो इस तरह करके आप इसको जनरेट कर सकते हैं। अगर सपोज कर लें एक पेज पे आपको ये दो में चाहिए, दो कॉलम्स कर लें। अच्छा यहाँ देखें ये 10 के बाद ये प्रॉब्लम आपको आएगा, इसको किस तरह फिक्स करना है। यहाँ राइट क्लिक करें, इसके बाद आप आ जाएं एडजस्ट लाइन इंडेंट्स में, यहाँ क्लिक करें, यहाँ फॉलो नंबर विद टैब दिया हुआ है तो आप यहाँ स्पेस कर दें तो ओके करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पेस्ट करते जाएं, आप पेस्ट कर रहे हैं एक पेज पे आपके पास यहाँ 24-25 के बाद, अब ये 27 के बाद 28 है। मैं कंट्रोल ए करता हूँ और पेज लेआउट में जाके कॉलम्स में से मैं दो कॉलम्स कर देता हूँ। अब जो रेस्ट ऑफ द मेरा डाटा है वो मेरा दूसरे कॉलम में जाना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ पेस्ट करना शुरू कर दूंगा। इस तरह करके आप स्मॉल लेटर्स में ए बी सी को अपने ओ एम आर शीट में जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इसको इसका कलर शलर चेंज करना है या आप इसको इसका साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल ए करें और फॉन्ट के होम में जाके होम में यहाँ से आप उसका फॉन्ट कलर, मैं लेट से रेड कर दूँ तो, या यहाँ से कोई भी कलर आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं, मैं लेट से के रेड कर देता हूँ। ये तो बात होगी कि स्मॉल ए बी सी आपने यहाँ पर किस तरह से ओ एम आर शीट में जनरेट करनी है। इसके बाद अब आ जाती है कैपिटल ए बी सी की बात। मैं कंट्रोल एन करके एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। इस नई फाइल में अब मैं आपको जो कोड बताने लगा हूँ ओ एम आर शीट में बड़ी ए बी सी लिखने के लिए, वो है इस जिस तरह पहले मैंने आपको बताया 24D, इसी तरह अब आपने यहाँ पर क्या करना है 24B6 alt x, alt x करें तो यहाँ देखें बड़ी ए बी सी आ गई। इसी तरह 24B7 करके alt x करें तो B आ गया, 24B8 करके alt x करें तो C आ जाएगा, इसी तरह 24B के बाद आप 9 करके alt x करें तो आपके पास D आ जाएगा। इसको भी बुलेट्स लगा लें। बुलेट्स लगाने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसको पेस्ट करता रहता हूँ और जिस तरह मैंने पहले किया, और वहाँ से कॉलम्स मैं दो कर देता हूँ ताकि मेरा एक पेज पे दो कॉलम्स में ये पेस्ट हो जाए। तो इस तरह करके आप इसको कर सकते हैं बड़ी ए बी सी को ओ एम आर शीट में। इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है जो कि हमें पहले देखने को मिल रहा था, यहाँ 9 के बाद ये 10वां जो है, आप यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ सेट सॉरी एडजस्ट लाइन इंडेंट्स में आके यहाँ टैब करेक्टर्स की बजाय स्पेस कर दें, ओके करें तो ये प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। कंट्रोल ए करें, सारा सेलेक्ट हो गया, वहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया, रेड कर दिया जैसे कि पहले किया था, थोड़ा साइज बढ़ा लें तो यहाँ से इस तरह करके आप बड़ी ए बी सी को ओ एम आर शीट में जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद मेरा जो तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि नंबर्स अगर आपने ओ एम आर शीट में लिखने हो 1, 2, 3, कंट्रोल एंड से मैंने एक नई फाइल ओपन कर ली। इसमें अब मैं नंबर्स जनरेट करना सिखाने लगूँ कि आप ओ एम आर शीट में 1, 2 किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए चले बुलेट्स मैं आपको पहले लगा लेता हूँ। आपने जो कोड यहाँ पर यूज़ करना है वो कोड पहले हम 24D के बाद फिर B यूज़ करते रहे हैं, B के बाद अब आपने F यूज़ करना है, 24F और 5 alt x करें, करना alt x है, देखिए 1 जनरेट हो गया, 24F के बाद आप 6 करें alt x, फिर 24F के बाद 7 alt x, 24F के बाद 8 alt x,
इस तरह करके आप इसको भी चलें फोर तक मैं कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ मैं इसको पेस्ट करना कर देता हूँ और कॉलम्स में जाके दोबारा से दो कर देता हूँ ताकि मेरा दो कॉलम्स में डाटा आ जाए। इसका भी वही इशू आ रहा है 10 के बाद वाला, सॉरी 9 के बाद वाला। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से एडजस्ट लाइन इंडेंट्स में स्पेस कर लेंगे, ओके करेंगे तो ये आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया। कंट्रोल ए मैंने किया और होम में जाके मैंने फॉन्ट कलर इसका रेड कर दिया। तो इस तरह करके आप ओएमआर शीट जनरेट कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको स्मॉल एबीसी वाली ओएमआर शीट, कैपिटल वाली और नंबर्स वाली ये बता दी है। आई होप सो इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस वीडियो से। अगर समझते हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।